Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चीज़ वाले पराठे रोल ते हुण नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सानू चाहिए जी पनीर, ऑयल, आटा, प्याज, टमाटर, येलो शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, टोमैटो केचप, चीज, कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च ते नमक। ते जी हुण इस रेसिपी का सब तो पहला स्टेप है कि जिहड़ा पराठा है ना जी उसका असीं डो तैयार करांगे। ते डो तैयार करन लई असीं यूज करना आटा। इत्थे मैं 1.5 कप आटा यूज कर रहा जी। तो इस दे विच ऐड करांगे थोड़ा जिहा नमक 1/4 टीस्पून। ते हुण इस आपां थोड़ा जिहा पानी ऐड करना है। इस पानी नूं इस आटे दे विच मिक्स करके एक सॉफ्ट जिहा डो तैयार करांगे जी। ते जी इसका एक सॉफ्ट जिहा डो तैयार कर लवांगे ते फिर मैं थोनू दसदा जी अगला स्टेप। ते लो जी डो साडा रेडी हो चुक्या है। ते जद तक असीं स्टफिंग बनाने आ डो भी थोड़ा रेस्ट कर लूगा जी। ते हुण स्टफिंग बनाने लई सब तो पहला तां पैन नूं करांगे गरम। ते इहदे विच ऐड करना जी 2 चम्मच ऑयल। इस ऑयल नूं थोड़ा जिहा गर्म होण देवांगे। ते लो जी हुण ऑयल साडा गर्म हो चुक्या है। हुण सब तो पहला आपां इहदे विच ऐड करांगे स्लाइस कीते हुए प्याज। इन्हां प्याज़ां नूं चंगी तरह मिक्स करना है ते थोड़ी देर लई सौते कर लेना है। हुण आपां इहदे विच पावांगे जी पाउडर मसाले। सब तो पहला मैं ऐड करन लग्गिया नमक 1/2 चम्मच। इस दे नाल नाल 1/4 चम्मच जिहड़ा है काली मिर्च दा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी ते 1/4 चम्मच लाल मिर्च दा पाउडर, 1 चम्मच भर के कटियां हुई हरिया मिर्चां। हुण इह सब चीज़ां आपां मिक्स करांगे ते थोड़ी देर लई प्याज नूं होर पका लवांगे। ते लो जी इह पाउडर स्पाइसिस नूं कुक करन तों बाद आपां इहदे विच ऐड करांगे स्लाइस कीते हुए टमाटर। ते टमाटर नूं भी चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। हुण आपां इहदे विच ऐड करांगे कैप्सिकम्स। साडे कोल येलो ते ग्रीन कैप्सिकम हैगी है जी, इह आपां ऐड करन लग्गे आं। हुण इह दोनों कैप्सिकम नूं भी असीं अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ते लो जी दोनों कैप्सिकम जिहड़े आ उह भी सौते हो चुके हैं। हुण आपां इहदे विच पनीर ऐड करना है जी। पनीर नूं चंगी तरह स्टफिंग दे विच मिक्स कर लवांगे। ते लो जी पनीर नूं भी मैं स्टफिंग नाल चंगी तरह मिक्स कर लिता है। बहुत ही कलरफुल ते बड़ी अट्रैक्टिव जी स्टफिंग बन गई है जी। ते जी हुण इहदे विच एक आखरी इंग्रीडिएंट ऐड करन लगे हां, उह है जी 2 चम्मच टोमैटो कैचअप। टोमैटो केचप नूं भी चंगी तरह आपां मिक्स कर लवांगे ते फिर इह जिहड़ी साडी स्टफिंग है ना इह तैयार हो चुकी है। स्टफिंग नूं आपां इक प्लेट दे विच कढ लवांगे, थोड़ा जिहा उसनूं कूल कर लवांगे ते फिर मैं तुहानूं दसदा जी अगला स्टैप। ते लो जी जिहड़ी साडी स्टफिंग है उह आपां इक प्लेट विच कढ ली ते थोड़ी जिही इसनूं ठंडा वी कर लिया। ते जिहड़ा साडा डो सी उह बिल्कुल सही सैट हो चुक्या है। उहदे मैं 4 पेड़े बना लिते हैं। ते हुण पराठा बनाउण लई 1 पेड़ा असीं यूज़ करांगे सब तों पहलां। ते इहनूं आपां जिहड़ा सुक्का आटा है उहदे विच थोड़ा जिहा डस्ट कर लवांगे। ते लो जी बिल्कुल पतला जिहा पराठा असीं बेल लिता है। हुण जी नैक्सट स्टैप है इसनूं सेकण दा। बड़ा ट्रिकी है जी इह स्टैप आपां, क्योंकि एक साइड तों चंगी तरह सेकांगे ते एक साइड तों थोड़ा जिहा उसनूं कच्चा रखांगे, क्योंकि मैं स्टफिंग करके दोबारा उसनूं सेकांगा जी। ते लो जी एक साइड ते थोड़ा जिहा ऑयल अप्लाई करके इह वाली साइड जिहड़ी है चंगी तरह सेक लेनी है। ते जिस साइड ते मैं ऑयल अप्लाई कीता है इत्थों मैं इसनूं फ्लिप करके चंगी तरह सेकांगा तां कि थोड़ा जिहा गोल्डन कलर आ जाए ते फिर आपां इसदी स्टफिंग करांगे। ते लो जी साडा जिहड़ा पराठा है इक साइड तों चंगी तरह गोल्डन हो चुक्या है। ते हुण आपां इहदे विच स्टफिंग ऐड करांगे ते इसनूं रोल बनावांगे। स्टफिंग ऐड करन लई जिहड़ी इह स्टफिंग है इसनूं आपां प्लेस करना जी पराठे दे उत्ते। थोड़ा जेनरस अमाउंट, बिल्कुल खुले दिल वाली स्टफिंग ऐड करनी है जी। ते लो जी इह स्टफिंग पाउण तों बाद आपां इस दे उत्ते चीज़ स्प्रिंकल करांगे। ते हुण आपां इसनूं रोल कर लेना है। थोड़ा टाइटली रोल करना है तां कि जिहड़ी स्टफिंग है बिल्कुल टाइटली इस दे विच बंद हो जाए।
ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਕਣਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਸੇਕਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਫ ਸਪੂਨ ਆਇਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਨੀਰ ਪਰਾਂਠਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਇਹ ਸੈਲਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿੰਟ ਸੌਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ 5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।